दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं और 31 मार्च से आईपीएल का पहला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे बल्लेबाजों का नाम बताएंगे जो इस बार के आईपीएल में अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं और इनको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस बार के आईपीएल सीजन में। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 5 हैरी ब्रुक्स। दोस्तों, हैरी ब्रुक्स इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो कि एक फिनिशर के तौर पर आते हैं और काफी लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20, चाहे टेस्ट। अभी हैरी ब्रुक्स का फॉर्म लाजवाब है और हैरी ब्रुक्स का ये पहला आईपीएल का सीजन होने वाला है। इस बार हैरी ब्रुक्स को हैदराबाद की टीम ने 13.25 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में लिया और हैरी ब्रुक्स एक खतरनाक बल्लेबाज है। अगर हैरी ब्रुक्स का ऐसा ही फॉर्म चलता रहा तो हैदराबाद की टीम इस बार तो अच्छा परफॉर्म करेगी ही। नंबर 4 टीम डेविड। टीम डेविड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जो कि इस बार मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। टीम डेविड ने अपने आईपीएल के करियर के 9 मैच की 9 इनिंग में 21 की औसत से और 210 के स्ट्राइक रेट से 180 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 46 रन का है केकेआर के खिलाफ, और उन्होंने अभी तक अपने करियर में आईपीएल के 16 छक्के मार चुके हैं। नंबर 3 विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली रन मशीन कोहली, उनका आईपीएल का करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है और 2018 का वो आईपीएल वो तो कभी नहीं भूल सकते, जिनमें उन्होंने 4 शतक जमाए थे, लेकिन फिर भी वो अभी तक आरसीबी को एक भी कप नहीं जिता पाए हैं। और इस बार भी कोहली आपको आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली अपने आईपीएल के करियर में अभी तक 223 मैच के 215 इनिंग में 36 की औसत से 130 के स्ट्राइक रेट से अभी तक 6,624 रन बना चुके हैं, जिसमें से कि 54 उनके अर्धशतक शामिल हैं और 5 शतक शामिल हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर है 113 रन जो कि उनका गुजरात लायन के खिलाफ आया था, और अभी तक वो टोटल अपने करियर के आईपीएल में 218 छक्के जमा चुके हैं। दोस्तों, नंबर 2 पे आते हैं जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के अभी के T20 के कप्तान हैं और अभी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं वो अपना आईपीएल। दोस्तों, जॉस बटलर अभी तक अपने आईपीएल के करियर में 82 मैचेस के 81 इनिंग में 40 की एवरेज से और 140 के स्ट्राइक रेट से 2,831 रन बना चुके हैं, जिसमें से कि 15 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं। 124 रन का उनका हाईएस्ट स्कोर है जो कि उनका मुंबई इंडियंस के खिलाफ आया था। दोस्तों, जॉस बटलर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले अपने दम पर पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं और इंग्लैंड और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब भी खेले हैं उन्होंने कई बार ऐसा करके भी दिखाया है। अगर जिस दिन जॉस बटलर का बल्ला चलता है उस दिन पूरे दिन उनका बल्ला चलता है, कोई भी बॉलर उनके सामने नहीं टिक पाता है। तो क्या इस बार जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स को कप जिता पाएंगे? दोस्तों, नंबर 1 पे एक बल्लेबाज आता है जो कि एक भारतीय है, स्काई सूर्य कुमार यादव, जो कि पूरी दुनिया के T20 के नंबर 1 बल्लेबाज है, जिनको कोई भी नहीं रोक पाता T20 में। और जैसे कि T20 के फॉर्म में वो चल रहे हैं तो इस बार आईपीएल उनके नाम होने वाला है और इस आईपीएल में वो अपना पहला शतक भी जमा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल खेलते हैं और अभी तक अपने वो आईपीएल के करियर में 123 मैचेस के 108 इनिंग में 30 की औसत से 137 के स्ट्राइक रेट से 2,644 रन बना चुके हैं, जिसमें 16 अर्धशतक शामिल है। उनका हाईएस्ट स्कोर 82 रन का है जो उनका आरसीबी के खिलाफ आया था, और अभी तक वो 84 छक्के मार चुके हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बल्लेबाज जो इस बार आईपीएल अपने नाम करने वाले हैं और इनको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा पसंद है और किसकी बैटिंग आप ज्यादा एंजॉय करते हो, हमें कॉमेंट करके अपना आंसर जरूर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।